नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं क्रिक वाइज। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आईपीएल का मैच नंबर 33वां, जो कि खेला जाएगा पंजाब किंग्स वर्सेज मुंबई इंडियंस। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्या रहने वाली है स्मॉल लीग की बेस्ट टीम, कौन से प्लेयर आपके स्मॉल लीग के लिए सबसे सेफ कैप्टन पिक रहने वाले हैं, किस प्लेयर को आप जीएल में कैप्टन दोगे और कौन से ऐसे ट्रंप प्लेयर है जो आपको स्मॉल लीग में क्लीन स्वीप करा के देगा। तो ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जिससे आप खुद का अपना एक टीम बना सको और अच्छा खासा पैसा कमा सको। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वेन्यू की बात करें तो यह मैच खेला जाएगा महाराजा यदाविंद्र सिंह स्टेडियम मुल्लांपुर में। औसत स्कोर यहाँ का 168 है और ओवरऑल ये एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है। और कल का जो मैच है पंजाब और मुंबई का, दोनों टीमों में स्टार बल्लेबाज से सजी हुई टीम है, तो कल भी आप एक हाई स्कोरिंग मैच का अनुमान लगा सकते हो। तो कल भी जो आप टीम बनाओगे तो अपने टीम में ज़्यादा से ज़्यादा बल्लेबाजों को रखना है और कम बॉलर को रखना। बात करें हेड टू हेड मुकाबलों की, तो पिछले 31 मैचों में मुंबई इंडियंस ने 16 मैचों में जीत हासिल की है, वहीं पंजाब किंग्स ने 15 मैचों में जीत हासिल की है। तो यहाँ आमने सामने जब भी ये दोनों टीमों की टक्कर होती है तो आप देख सकते हैं एकदम बराबर की टक्कर होती है। तो कल भी हम एक थ्रिलर कॉन्टेस्ट का अनुमान लगा सकते हैं। अब बात करें मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की, तो मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 रहने वाले ईशान किशन, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पंड्या, वर्मा, तिलक वर्मा, टीम डेविड, मोहम्मद नबी, रोमारियो सेफर्ट, गिराल कोटजे, श्रेयस गोपाल, जसप्रीत बुमराह और आकाश मधवाल। तो ये रहेगी मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11। अब मैं इनमें से आपको बता देता हूँ कौन से ऐसे प्लेयर है जिनको आपको अपने स्मॉल लीग की टीम से इग्नोर करके चलना है और कौन से ऐसे प्लेयर है जो स्मॉल लीग के लिए आपके ट्रंप पिक साबित हो सकते हैं। नंबर एक पे हो गए स्मॉल लीग से इग्नोर करने वाले प्लेयरों में से मोहम्मद नबी, फिर उसके बाद टीम डेविड, रोमारियो सेफर्ड, श्रेयस गोपाल और आकाश मधवाल। इन पांच प्लेयरों को आप लोग अपने स्मॉल लीग के टीम से इग्नोर करना है और आपको स्मॉल लीग में कंसीडर करना है अपने टीम में ईशान किशन को, रोहित शर्मा को, सूर्य कुमार यादव को, हार्दिक पंड्या को और तिलक वर्मा को भी आप स्मॉल लीग में ले सकते थे। तिलक वर्मा को अगर आप लोग अपने स्मॉल लीग की टीम में रखना चाहते हो, मुंबई का टॉप फोर आपको दिखाई दे रहा है, इन चारों में से किसी एक पे आपको रिस्क लेना होगा। तो आप लोग अगर यहाँ पे रिस्क लेना चाहते हो तो ईशान किशन के साथ आप लोग रिस्क ले सकते हो, क्योंकि रावाडा और अर्शदीप आपको शुरुआती में बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे और स्विंग बॉलिंग के खिलाफ ईशान किशन उतना अच्छा रिकॉर्ड इनका है नहीं। तो आप कल चाहो तो कल के मैच में ईशान किशन को इग्नोर करके चलना, स्मॉल लीग में आप लोग इनको अवॉइड करना। बहुत सारे अपोनेंट आपको इनको अपने स्मॉल लीग की टीम में वीसी या कैप्टन बना के आएंगे, पर कल आपको अपने स्मॉल लीग की टीम से ईशान किशन को इग्नोर करके चलना है। अब बात करें यहाँ पर तिलक वर्मा को आप लोग अपने टीम में ऐड कर लेना ईशान किशन के यहाँ बदले पर, और गिराल्ड कोटजे, जसप्रीत बुमराह ये दोनों मस्ट पिक है आपके स्मॉल लीग के लिए, और सूर्य कुमार यादव कल के मैच के लिए आपके सबसे सेफ कैप्टन चॉइस रहने वाले हैं। तो अगर आप लोग स्मॉल लीग में ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आप लोग सूर्य कुमार यादव को स्मॉल लीग में अपना कैप्टन बनाना। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से, स्टार्टिंग में आपको बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे आकाश मधवाल, जसप्रीत बुमराह, गिराल कोटजे, और डेथ में बुमराह, गिराल कोटजे और आकाश मधवाल। तो इनमें से दो को आपको, जसप्रीत बुमराह और गिराल कोटजे आपके स्मॉल लीग के टीम के लिए कल के मैच में मस्ट पिक रहने वाले हैं। मुंबई इंडियंस के प्लेयर स्टैट्स की बात करें, ईशान किशन आईपीएल में 30 का एवरेज, हेड टू हेड में 22 का, इस वेन्यू पर खेले नहीं, रिसेंट फॉर्म अच्छा है, पर आप लोग कल इस पे रिस्क लेके थोड़ा चलना, स्मॉल लीग की टीम से आप लोग कल ईशान किशन को ड्रॉप कर देना कल, क्योंकि कल ये फ्लॉप होने वाले हैं। मुझे ऐसा 100% लग रहा है कल ईशान किशन फ्लॉप हो जाएंगे, तो आप लोग इनको इग्नोर करके चलना। रोहित शर्मा स्मॉल लीग के लिए मस्ट पिक रहने वाले हैं, पर आप लोग कैप्टन या वीसी इनको ट्राई मत करना। सूर्य कुमार यादव आपके स्मॉल लीग के लिए सबसे सेफ कैप्टन पिक है, आईपीएल में 32 का एवरेज है, हेड टू हेड में 22 का, रिसेंट फॉर्म 0 था, 52 था, फिर 0 है, पर हो सकता है इस मैच में, मुझे ऐसा लग रहा है इस मैच में सूर्य कुमार यादव कुछ बड़ा स्कोर करेगा, तो आपके लिए सबसे सेफ कैप्टन चॉइस स्मॉल लीग का सूर्य कुमार यादव ही रहने वाला है। तिलक वर्मा स्मॉल लीग में बहुत सारे लोग इनको ड्रॉप करके आएंगे, पर आपको तिलक वर्मा को अपने स्मॉल लीग की टीम में रखना है एज ए ट्रंप पिक, आपको हो सकता है ये 50 से 60 पॉइंट दे के चले जाए। हार्दिक पंड्या स्मॉल लीग के लिए मस्ट पिक है, पर इनको आप कैप्टन या बीसी मत देना। टीम डेविड जीएल पिक है, स्मॉल लीग में इग्नोर करके चलना है। मोहम्मद नबी इग्नोर करके चलना है स्मॉल लीग में। रोमारियो सेफर्ट को भी जीएल में ट्राई कर सकते हो। गिराल कोटजे स्मॉल लीग के लिए मस्ट पिक है। श्रेयस गोपाल को आप लोग जीएल में ट्राई करना। जसप्रीत बुमराह स्मॉल लीग के लिए मस्ट पिक है, और अगर मुंबई पहले बॉलिंग करती है तो आप लोग जसप्रीत बुमराह को बीसी भी बना सकते हो, और सूर्य कुमार यादव को कैप्टन दे देना। आकाश मधवाल जीएल में आप लोग ट्राई करना, स्मॉल लीग में इग्नोर करके चलो। पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो ये रहने वाले हैं पंजाब किंग्स के प्लेइंग 11, अथर्व टाडे, जॉनी बेरस्टो, प्रभसिमरन सिंह, सैम करन, जितेश शर्मा, लियाम लिविंगस्टन, शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा, हरप्रीत बरार, रवाडा, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह। अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ इनमें से किस प्लेयर को आपको स्मॉल लीग में इग्नोर करके चलना है। तो सबसे पहले आपको अपने स्मॉल लीग की टीम से यहाँ पर ड्रॉप करना है हर्षल पटेल को, फिर उसके बाद हरप्रीत बरार को, फिर यहाँ पर प्रभसिमरन सिंह को, फिर यहाँ पर अथर्व टाडे
रेड्डी को और आशुतोष शर्मा को। इन सारे प्लेयरों को आप लोग अपने स्मॉल लीग की टीम में ट्राई मत करना। और स्मॉल लीग के लिए पंजाब की तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं जॉनी बेरस्टो। कल के मैच में इस प्लेयर को आप लोग अपनी टीम से इग्नोर करके मत चलना, बहुत अच्छे खासे कल आपको ये पॉइंट देंगे और एक तरफा आपका स्मॉल लीग में क्लीन स्वीप करा देगा। अब बात करें पंजाब की तरफ से, स्टार्टिंग में आपको बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे हर्षदीप सिंह, सैम करन और कगिसोर अवाडा। इन तीनों को आपको अपनी टीम में रखना है। सैम करन को ऑलराउंडर सेक्शन से अपनी टीम में पिक कर लेना है और बॉलिंग सेक्शन से हर्षदीप और अवाडा दोनों आपके स्मॉल लीग के लिए मस्ट पिक रहने वाले हैं। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स के प्लेयर स्टेट्स की। अथर्व टाडे आईपीएल में 28 का एवरेज है, हेड टू हेड में 29 का, वेन्यू पे 15 का, रिसेंट फॉर्म एक ही मैच खेले हैं, 15 रन बनाए थे। तो स्मॉल लीग की टीम आप लोग ड्रॉप करके चलना। जॉनी बेरस्टो प्लेयर अच्छे हैं पर पूरा आईपीएल इनका खराब गया है, पर कल हो सकता है ये अच्छा खासा रन्स बनाए। तो कल आप लोग स्मॉल लीग में अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो सूर्य कुमार यादव को कैप्टन दे देना और जॉनी बेरस्टो को वैसे भीसी दोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है आप सभी का स्मॉल लीग में अच्छा क्लीन स्वीप हो जाएगा। प्रभ सिमरन सिंह प्लेयर अच्छे हैं पर मुंबई का बॉलिंग अटैक बहुत ही तगड़ा है, तो स्मॉल लीग में आप लोग ड्रॉप करके चलना, जीएल में ट्राई कर सकते हो। सैम करन स्मॉल लीग और जीएल दोनों के अच्छे पिक रहने वाले हैं, पर आप लोग अपने टीम में स्मॉल लीग की टीम में इसको एज ए कैप्टन या एज ए बीसी ट्राई मत करना। लियाम लिविंगस्टन स्मॉल लीग के लिए मस्ट पिक रहने वाले हैं, स्मॉल लीग की टीम में रहने ही चाहिए। जीएल में आप लोग कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। जितेश शर्मा जीएल पिक है, स्मॉल लीग में इग्नोर करके चलना है। शशांक सिंह को भी आप लोग स्मॉल लीग में ट्राई मत करना, आशुतोष शर्मा को भी नहीं। हरप्रीत बरार जीएल पिक है, स्मॉल लीग में नहीं ट्राई करना है। कगिसोर अवाडा जीएल और स्मॉल लीग दोनों के लिए मस्ट पिक रहने वाले हैं। हर्षल पटेल जीएल पिक है, आप लोग स्मॉल लीग में इनको ड्रॉप करके ही चलना क्योंकि मुंबई के पास डेथ में बिग हिटर्स हैं और इनका डेथ में बॉलिंग आता है। हर्षल पटेल को आप लोग अपनी टीम से इग्नोर करके चलना है स्मॉल लीग में, जीएल में ट्राई कर सकते हो। अर्शदीप सिंह स्मॉल लीग के लिए मस्ट पिक रहने वाले हैं और अगर पंजाब पहले बॉलिंग करती है तो आप लोग स्मॉल लीग में अर्शदीप सिंह को भीसी भी दे सकते हो। बात करें कुछ की प्लेयर्स की, तो हमारे कल के मैच के की प्लेयर्स रहने वाले हैं सैम करन, रवाडा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या। इन सातों प्लेयर में से आप स्मॉल लीग में अगर खेलोगे तो सारे सातों के साथ आपको अपोनेंट की टीम में नजर आएंगे, तो आपको थोड़ा सा कल रिस्क लेना है। यहाँ पर आपको ईशान किशन को कल आप अपनी टीम से ड्रॉप कर देना है और इसके जगह पर आपको जॉनी बेरस्टो को अपनी टीम में ऐड कर लेना है। सबसे सेफ कैप्टन या भीसी ऑप्शन रहने वाले हैं सैम करन, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, पर मैं बता रहा हूं आप सभी को कल के मैच के लिए सबसे सेफ कैप्टन चॉइस रहेंगे सूर्य कुमार यादव। ट्रंप प्लेयर की बात करें तो आकाश मधवाल, अथर्व टैडी और हर्षल पटेल रहने वाले हैं। तो ये रहने वाली है मेरी अभी की स्मॉल लीग की टीम। लाइनअप आने के बाद मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। तभी की मेरी स्ट्रीम में विकेट कीपिंग सेक्शन से ईशान किशन, बैटिंग सेक्शन से रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा, ऑलराउंडर से हार्दिक पांड्या, सैम करन, बॉलिंग से जसप्रीत बुमराह, रवाडा, हर्षदीप कोटजी और कैप्टन इसमें मैंने सैम करन को दिया है और बीसी रोहित शर्मा को। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप सभी को वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।